गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इसके क्या अजम्पशंस हैं और इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आज उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो पहले हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि ये क्यों होता है, तो उसके बारे में हमें पता लगा किसकी हेल्प से, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हेल्प से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वर्ड आता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, मीन्स इसमें हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, सेकेंड में 2, थर्ड में 6 और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही हमारा कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर वाला होता है। तो जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतना ही वो क्या होगा, न्यूक्लियर के अट्रैक्टिंग फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी और वो ज़्यादा क्लोजली न्यूक्लियस से बाइंड अप होकर रहेगा, तो उसको निकालना कठिन होता है किसके कंपैरिजन में, बजाय कि उसके जो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और यही हमारा कंडक्शन के लिए और यही हमारा मेटल में कंडक्शन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, मेटल में कंडक्टिविटी आती है। तो देखो अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके क्या अजम्पशंस हैं। तो इसके अजम्पशंस क्या हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो दी थी हमारी ड्रूड ने। किसने दी थी, ड्रूड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी। तो उसने क्या देखा, ड्रूड ने एक साइड एक मेटल का लिया और दूसरी साइड लिया एक कंटेनर जिसमें उसने भरी क्या, परफेक्ट गैस भरी। तो वो क्या देखता है कि परफेक्ट गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनके वो क्या रैंडम मोशन में होते हैं। ऐसे ही हमारा वो देखता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी क्या है, रैंडम मोशन करते हैं। तो वो यहाँ से उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इसको परफेक्ट गैस की तरह ही स्टडी करने का ट्राई करूँ। तो ड्रूड ने क्या देखा, तो उसने फर्स्ट अजम्पशन क्या लिया, अपनी थ्योरी का क्या बेस लिया, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स हैं वो क्या करते हैं, इनसाइड अ मेटल आर फ्री टू मूव अबाउट द होल वॉल्यूम जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ परफेक्ट कंटेनर, ठीक है, परफेक्ट गैस इन अ कंटेनर। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मूव करते हैं मेटल के अंदर जैसे कि परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। सेकेंड अजम्पशन देखो उसकी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन एंड कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस फिक्स टू लैटिस और अदर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, मतलब वो इधर उधर भागते हैं, रैंडम मोशन का मतलब सबको पता है ना। एंड वो क्या करते हैं, लैटिस, अब इलेक्ट्रॉन निकला एटम के अंदर से तो क्या बचेगा, वहाँ पे पॉजिटिव आयन बचेगा। तो अगर वो इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे तो हो सकता है वो मेटल्स जो पॉजिटिव आयन है उससे स्ट्राइक करें, या फिर हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे स्ट्राइक करें। तो ये जो कोलिजन्स होते हैं ये क्या मान के चला था, वो इलास्टिक कोलिजन्स मान के चला था कि इसमें कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। थर्ड अजम्पशन क्या है उसकी, जो मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑबे द क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट है इसका कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन अ मेटल ओबेज क्लासिकल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है भाई, क्लासिकल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी मेटल के एक एंड को गर्म करते हैं, किसी भी मेटल के एक एंड को अगर मैं क्या करती हूँ, हीट करती हूँ, तो यहाँ से मान लो मैंने ये कोई मेटल है उसका मैंने क्या कि ये वाला एंड मैंने गर्म किया, यहाँ से मैंने टेम्परेचर दिया इसको गर्म किया, तो क्या होगा, ये वाला एंड भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हीट कहाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ तक ट्रांसफर हुई। कौन मूव कर रहा है इसमें, कौन है मूवेबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, तो वो ही क्या कर रहे हैं,
हीट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर मैं इस एंड पे दूंगी उतनी ही जल्दी ये वाला एंड क्या होगा, गर्म होगा। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो उतनी ही ज़्यादा तेज होती जाएगी। मोशन मीन्स उनकी वेलोसिटी, तो उनकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर दूंगी उतनी ही ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव कर रहे हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी पता है ना क्या होती है, 1/2 mv², तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो मान लीजिए मैं ये क्या लेती हूँ, एक मेटल सरफेस मैंने लिया हुआ है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे क्या है, लैटिस आयंस। तो जब मैंने कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो उस टाइम पे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करेंगे, इनकी जो कैसे रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, फील्ड अप्लाई कर दिया, तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर कंडक्शन आएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से एक्सप्लेन हुई है, हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैं फील्ड अप्लाई करूंगी उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और उतनी ही ज़्यादा मेरी क्या आएगी, कंडक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं उतनी ज़्यादा मेरी सॉरी है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी, करंट इसमें मूव होगा। तो करंट डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। करंट डेंसिटी सबको पता है ना, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडक्टिविटी आएगी। तो जे इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई। यहाँ पे सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब एक और लॉ था जो भी, जो किसकी वजह से एक्सप्लेन हुआ है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। उस लॉ का नाम है वाइडमैन फ्रेंज लॉ। ये क्या होता है, वाइडमैन फ्रेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो थर्मल कंडक्टिविटी के और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। दैट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी सबको पता है क्या होती है, अगर किसी भी मेटल को हम हीट करें तो उसमें क्या आएगी, थर्मल कंडक्टिविटी आएगी। और इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अप्लाई होने पे जो आती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वाइडमैन फ्रेंज ने एक लॉ दिया कि इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन उसका जो उससे रिलेटेड, उसका जो एक तरीके से बोल सकते हो, उसको जो प्रूव किया वो किसने किया, ड्रूड ने किया 1928 में। उसने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कंसेप्ट जब दिया तब सबको समझ आया कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वाइडमैन फ्रेंज लॉ।